ब्लैक मैजिक, ये टाइटल आपने सुना है ना, बहुत सारे बंदों ने बहुत सारी बार बचपन से या कभी ना कभी जरूर सुना होगा ब्लैक मैजिक के बारे में, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है ना जो हमारी लाइफ में हमने देखा भी है और बहुत ही ज्यादा बार सुना हुआ है। अब वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कैसे, कि चाहे ब्लैक मैजिक बड़े तंत्र विद्या के रूप में हो, चाहे ब्लैक मैजिक छोटे से चौराहे पे, कहते हैं ना मतलब कुछ कर रखा है मटका डाला हुआ ये इस रूप में हो, लेकिन ये इंडिया के अंदर इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ब्लैक मैजिक, कैसे ये होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, क्या आप भी बोर हो गए हो और अपना टाइम पास करना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने खाली टाइम पे क्या करता हूँ। जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वीडियोस से पैसा बना पाऊंगा। और एडसेंस और प्रमोशंस ये बहुत ज्यादा ना मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है पैसा कमाने का, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका, इजी और फास्ट। तो हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिनटों में ना 10,000 से भी ज्यादा कमा सकते हो। सो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक अमेजिंग लाइसेंस साइट फॉर अ बैट के बारे में और उसका सबसे कूल गेम एविएटर। ये बहुत ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग गेम है जिसको आप थोड़ी ही देर में खेल के हजारों कमा सकते हो। मैंने पर्सनली इस गेम को खेला भी और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे को स्पॉन्सर का मौका मिला है। इसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, बस बैट करो और प्लेन फ्लाई करेगा, प्लेन जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना पैसा आप बनाओगे। लेकिन ध्यान से, अगर आप कैश आउट नहीं करोगे ना तो प्लेन क्रैश भी कर सकता है। सो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना जीतो, तो आई रिकमेंडेड कि आप ज्यादा वेट ना करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने बैट किए 5,000 और ऑड्स ऊपर जाएगा। मुझे टाइम से पहले अपना प्लेन रोक के कैश आउट करके विनिंग्स लॉक करनी है। देखो, हमारा प्लेन ऊपर जा रहा है और विनिंग्स बढ़ रही है। अब मेन टास्क है अपनी विनिंग्स को टाइमली कलेक्ट करना। यस, मैंने अपने बैट 3.5 में बढ़ाए और मैं जीत गया 17,650 रुपए। अब हम विड्रॉ करते हैं 22,000 अपने अकाउंट में। आप फॉरवर्ड से इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। अब आपको भी बताया कि आप कुछ ही मिनटों में 15,000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो खेलें सिर्फ लाइसेंस फॉर अ बैट, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। और मेरे लिंक से आपको मिलेगा 200% वेलकम बोनस अप टू 30,000 रुपीज इन फर्स्ट डिपॉजिट। सो अभी जाओ और कमाओ ढेर सारे रुपए सिर्फ फॉर अ बैट में। कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ब्लैक मैजिक की शुरुआत कब हुई। कह सकते हैं अरबों खरबों या उससे भी पहले ब्लैक मैजिक का, लेकिन जन्म जो हुआ वो उसका जो केंद्र था वो था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ना वहाँ के जो लोग थे, एक कम्युनिटी थी ये, जिस कम्युनिटी का नाम आप वुडू भी कह सकते हो, उस कम्युनिटी के लोग ब्लैक मैजिक किया करते थे, लेकिन उनका पर्पस था लोगों की हीलिंग करना। अब वहाँ पे इस चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया जाता था। लोग इसका जो यूज़ करते थे वो करते थे कि एक जो ताकतवर एविल स्पिरिट्स जो है वो इनकी कामनाएं पूरी करें, मतलब उनके बदले ये बलियां दिया करते थे, जैसे बकरे की, मुर्गे की और भी चीज़ों की, और वो इनकी इच्छाएं पूरी करती थी, जैसे कि लोगों की बढ़ोतरी होना, तरक्की होना, इस चीज़ में यूज़ करा जाता था। धीरे धीरे ये फैलता चला गया देशों बाय देशों में, लेकिन इसने जब विकराल या कह सकते हो भयानक रूप लिया ना जब ये इंडिया में आ गया। आज भी जो मिथ है ना लोगों में, मतलब मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं करा था, और 99% मैं श्योर हूँ सबको ये पता होगा कि बंगाल कोलकाता ये गढ़ है ब्लैक मैजिक के, लेकिन ऐसा नहीं है। असम का जो मेयोंग विलेज है ना वो गढ़ है और केंद्र अब माना जाता है ब्लैक मैजिक का। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इसमें, मतलब आपने सुना होगा। देखो क्या होता है ना, अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, अब मैं एक इंस्टाग्राम पे अगर अभी फोटो भी डालता हूँ ना तो उसके नीचे भी है ना कई जगह एक कमेंट्स आ जाता है कि मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब इतना ज़्यादा मतलब ओपनली प्रमोट हो रहा है। अब मतलब कह सकते हो इंडिया में इतनी गंदी तरह प्रमोट हो चुका है ना कि आप बस में चले जाओ, रेल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको है ना इनके एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं कि आप कैसे मनचाहा प्यार पा सकते हो किसी पे वशीकरण कराकर। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना YouTube पे भी वशीकरण या इन चीज़ों के बारे में सर्च करोगे ना तो आपको ढेरों ऐसी वीडियो मिलेंगी कि कैसे आप नींबू पर नाम लिखकर या फिर ऐसे नींबू के अंदर कीले डालकर मेहंदी ये सब से कैसे वशीकरण कर सकते हो। देखो, मुझे पर्सनली तौर पर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, और
कह सकते हो आप तो खुलेआम किताबें भी छप चुकी हैं कि कैसे आप जादू टोने टोटकों से किसी को वश में कर सकते हो। अब ये शुरू कैसे हुआ था? जैसे कि मैंने बताया, साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, किसी पॉजिटिव चीजों के लिए, मतलब लोगों के हील करने के लिए, लोगों को तरक्की देने के लिए। लेकिन इंडिया में आते आते ये इसका ऑपोजिट होता चला गया, लोग इसको यूज करने लगे जेलेसी और दूसरों को नीचे गिराने में। सिम्टम्स जो मैंने इसके बारे में पढ़े ना, मैं बड़ा हैरान था, और एक दो तो सिम्टम्स ऐसे भी लगा कि भाई मुझ पे तो नहीं कराया हुआ किसी ने काला जादू। सीरियसली आपको है ना, आपकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी, आपका जो माइंड है वो डिप्रेस होता चला जाएगा, आपकी सोच बहुत ज़्यादा, कह सकते हो आप हमेशा डीमोटिवेट रहोगे, नकारात्मक सोच तक आपकी आने लग जाती है इसके होने के बाद। ऐसा मतलब सिम्टम्स में कहा गया है। आप घर में अकेले हो लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई है। कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से हंसने या रोने की आवाज़ सुनाई देने लग जाना, ये भी इसका एक सिम्टम है। और सुसाइडल थॉट्स आने, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाना, ये भी एक ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स में माना गया है। अब इसको ना लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जेलेसी फैक्टर, जेलेसी फैक्टर ऐसे है कि किसी की तरक्की होता देखकर। अब अभी ये ना, मैं आपको एक पॉइंट काट के ना छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें ना आप सिर्फ 2 से 4 हज़ार रुपये में करा सकते हो। मतलब आपको मन चाहा प्यार, आह क्या बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है मन चाहा प्यार, 2 से 4 हज़ार रुपये। नकली बाबा आजकल इतने सारे बन गए हैं, आप इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं कि इनको इतने लाइटली उस पर लिया जा रहा है ना कि आप पूछो मत। अब जैसे कि मैं बताता हूँ किसी फैमिली का ना डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हो जाता है। उसको लगता है कि भाई अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, पापा की तबीयत खराब हो गई, बहन का पैर टूट गया, भाई का भाई फेल हो गया, भाई ये हो गया वो हो गया, भाई हवन करा लेते हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, घर के अंदर हमारे कीलें गड़ी हुई हैं। ये सब मतलब आप ना भी चाहते हुए ना इसके अंदर हम लोग इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कितने भी इस चीज़ से झुटलाने की कोशिश करें कि ब्लैक मैजिक, लेकिन हमारे ये आसपास ही घूमता रहता है। अब जो इसके बारे में बताया गया है ना कि कैसे कैसे ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो आप जाओगे ना जब इनके पास तो ये बोलेंगे कि किसी के बाल, किसी के कपड़े, किसी के जूते चप्पल, सिंदूर, चूड़ियाँ, फोटो, इवन डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से भी ब्लैक मैजिक आप कर सकते हो, ऐसा दावा किया गया है ब्लैक मैजिक करने वालों ने। इन चीज़ों के बिना कुछ स्पेसिफिक डे होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि एक विच क्राफ्ट है, ये भी इसी से निकला हुआ एक वर्ड है ब्लैक मैजिक से ही। अब जैसे कि होली, दिवाली कहते हैं कि ग्रहण लग गया, पूर्णिमा पूरे चांद में, अमावस्या बिल्कुल जब चांद ना हो, ऐसे कुछ कुछ दिन हैं जब ये शक्तियाँ और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और ये लोग और ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की, जो मेरा है, जो मैं सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक पैरानॉर्मल की पढ़ाई करी है और देखा है पैरानॉर्मल चीज़ों को, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होनी होगी ना, तो वो अपने आप होगी। किसी भी ह्यूमन के बस में नहीं है, या फिर किसी भी ह्यूमन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं कि उसके ऊपर किसी ने घाल गलवा रखी थी। अब मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ, घाल गलवाना क्या होता है। घाल गलवाना एक वर्ड है जो हमारे गांव में यूज़ होता है। जैसे कि उसके ऊपर किसी ने साया करवा रखा था, उसके ऊपर किसी ने जादू टोटका करा रखा था, भाई उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। अगर ऐसा होता ना, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने लोग अब तक कुछ ना कुछ करवा चुके होते। अंबानी अडानी है, इनके ऊपर पता नहीं कितने कितने लोग कुछ ना कुछ करवा चुके होते। इवन मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि कोई आदमी किसी का एक बाल भी टेढ़ा कर सकता है इन शक्तियों से। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। बाकी मैंने आज तक ये चीज़ कभी फील नहीं करी है, ब्लैक मैजिक ये वो, ये सब अपने माइंड का। देखो क्या होते हैं ना, आप कभी एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ोगे ना, ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में। ये भी पैरानॉर्मल का एक हिस्सा है, उसके बारे में भी हम आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ग्रह जब मूव करते हैं ना, कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेन सेंसेस काम करते हैं लोगों के।
ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, कभी और इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज अभी तक तो मुझे लगता नहीं है, और आने वाली वीडियो में जो ये एड्स आते हैं ना छोटे छोटे, मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूँ, इनको फोन करके मिलने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ कि कैसे मुझे मनचाहा प्यार मिल सकता है, कह सकते हो आप। तो आई होप आपको ये एक वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में आप क्या सोचते हो ना मुझे जरूर जानना है। जिसका भी सबसे अच्छा कमेंट लगा ना मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट धमाकेदार लोकेशन में। लव यू। For a bet.